आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच डेटर सिस्टम। ब्रांच के अकाउंट्स को जिस तरह से मेंटेन किया जाता है उसमें से एक है ब्रांच डेटर सिस्टम। और ब्रांच डेटर सिस्टम को कौन अडॉप्ट करता है, कौन इसके अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो वो है हेड ऑफिस, जो मेन कंपनी या कंपनी का मेन सबसे पहले जो ओपन होता है वो है कंपनी की जो मेन ब्रांच होती है उसे हम लोग हेड ऑफिस कहते हैं। जो कंपनी स्टार्ट हुई और उस समय काम जहाँ से स्टार्ट किया वो हेड ऑफिस है। उसके बाद डिफरेंट जगहों पे कंपनी अपनी ब्रांचेस को ओपन करती है। तो जो मेन ऑफिस है कंपनी का जिसको हेड ऑफिस कहा जाता है, वहाँ पर डेटर सिस्टम के मुताबिक कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, डेटर सिस्टम में क्या होता है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। डेटर सिस्टम में हम लोग ये करते हैं कि तमाम बिजनेस के जैसे हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है कि एसेट्स जो ब्रांच के हैं वो क्या हैं, उन तमाम एसेट्स को जो गुड्स भेजी हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को, वो गुड्स कितनी हैं, ये तमाम चीज़ें एसेट्स में डेबिट साइड पर मेंटेन की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को बनाते हैं, इस तरह ब्रांच अकाउंट में एक ही जगह पर तमाम अकाउंट्स को मेंटेन कर लिया जाता है, एसेट्स को डेबिट किया जाता है और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो ब्रांच के ब्रांच ने लाइबिलिटीज ली या जो ब्रांच में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो तमाम चीज़ें क्रेडिट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनको क्रेडिट किया जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जनरल अकाउंट्स को हम लोग बनाते हैं, वही नेचर है यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट चीज़ों को करने की, और ये तमाम मेंटेनेंस होती है हेड ऑफिस के अंदर। अब ब्रांच डेटर सिस्टम में जब हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों को देखना होता है, दो चीज़ों को इनकाउंटर करने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। वो ये है कि या जो गुड्स हैं जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफ़र की हैं इसलिए कि वो सेल की जाएं, या वो गुड्स कॉस्ट प्राइस मेथड के मुताबिक गुड्स जो हैं उनकी वैल्यू को ब्रांच अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और जो सेकंड मेथड है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, वो है इनवॉइस प्राइस मेथड। अब कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या किया जाता है, जो गुड्स हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को वो तमाम गुड्स ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर के साथ भेजी जाती हैं कि उनकी कॉस्ट ये है। जैसे हम स्टॉक में जो भी चीज़ें रखते हैं वो हम लोग वो तमाम गुड्स हम लोग कॉस्ट पर मेंटेन करते हैं, इसी तरह से जब एक हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है तो उन गुड्स को कॉस्ट पर भेजता है। तो जब कॉस्ट पर भेजता है तो जब तक गुड्स सेल नहीं हुई होती तब तक वो गुड्स कॉस्ट पर ही रहती हैं और कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं चार्ज किया जाता, नहीं लिखा जाता कोई भी प्रॉफिट जब तक सेल नहीं होती और प्रॉफिट का हमें पता नहीं चलता। इसके बरक्स ये भी होता है ब्रांच डेटर सिस्टम में ही इनवॉइस समटाइम्स इनवॉइस प्राइस पर सेंड कर दी जाती हैं गुड्स। और जिस वक्त इनवॉइस प्राइस हम लोग कहते हैं सेल प्राइस पर, जिस प्राइस पर वो गुड्स हेड ऑफिस बताता है कि सेल होनी चाहिए, तो वो जो सेल प्राइस होती है उसको हम लोग कहते हैं वो ही इनवॉइस प्राइस है। तो जब इनवॉइस प्राइस पर गुड्स सेंड की जाती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि गुड्स सेंड हो गई हैं इनवॉइस प्राइस पर सेल अमाउंट पर, और अभी तक वो गुड्स ब्रांच में अगर मौजूद हैं तो एक्चुअली सेल नहीं हुई और हमने उसे सेल पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स फिर करनी पड़ती हैं, उनके लिए सेपरेट एडजस्टमेंट्स एंट्री हम लोग पास करते हैं अगर इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस पर जो है वो गुड्स कौन सी गुड्स ऐसी हैं जो कि कॉस्ट प्राइस पर जिनको यूजुअली भेजा जाता है, ये गुड्स ऐसी हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स होती हैं। पेरिशेबल गुड्स हम लोग कहते हैं जो खाने हमने खाना होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए या मिल्क हो गया, दूध हो गया, ये हमारी वेजिटेबल्स हो गई, ऐसे गुड्स जो कंज्यूम हो जानी होती हैं और बहुत जल्दी जिनके कंज्यूम अगर ना हो तो उनके वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। तो ऐसे गुड्स जो हैं उन्हें कॉस्ट पर भेजा जाता है क्योंकि जब वो सेल होती हैं वो कितने पर सेल होंगी इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो सेल के टाइम पर डिफरेंट हो सकती है उसकी कंडीशन के मुताबिक। तो ये गुड्स यूजुअली कॉस्ट पर भेजी जाती हैं।
और इसके अलावा भी ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है, बहुत जल्दी जिनसे प्राइस में चेंज आ सकता है, वो तमाम चीज़ें कॉस्ट पर हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को। अब अगर हम लोग भेजें इनवॉइस प्राइस मेथड के मुताबिक तो उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं? उसका ये होता है सबसे पहले कि प्राइसिंग पॉलिसी अगर सेट कर रहा है हेड ऑफिस, ब्रांच को वो अथॉरिटी नहीं दे रहा प्राइसिंग पॉलिसी की, हेड ऑफिस खुद कर रहा है, तो तब वो सेल प्राइस पर ही ट्रांसफ़र करेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग सेल प्राइस पर या इनवॉइस प्राइस पर ट्रांसफ़र करें तो बास कंपनीज ये करती हैं कि वो जो मार्जिन है या जो प्रॉफिट वो अर्न कर रही हैं वो सीक्रेट रखना चाहती हैं अदर स्टाफ से या जो मैनेजर हैं उनसे। अब जब वो सेल प्राइस पर ही सेंड करेंगी तो क्या होगा, प्रॉफिट सीक्रेट नहीं रहेगा। तो वो इस केस में क्या करती हैं, वो कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस की जगह वो प्रेफर करती हैं कि जो कॉस्ट है वो बता दी जाए कि ये कॉस्ट है और कॉस्ट पर गुड्स सेंड हो रही हैं। तो ये हमने लिखा है सेल यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे। अगर हम लोग जो है सिर्फ ब्रांच मैनेजर्स को सिर्फ ये पता हो कि गुड्स सेल कितने पर होती हैं, उन्हें ये ना बताया जाए कि कॉस्ट कितनी है, तो इस तरह से प्रॉफिट को सीक्रेट रखा जा सकता है। और अगर कॉस्ट पे किया जाए तो कितने पर बाद में वो मार्केट में सेल होती हैं, तो मार्जिन या प्रॉफिट को कंपनी सीक्रेट नहीं रख सकती, नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए भी इनवॉइस प्राइस पर सेंड किया जाता है। और इसका एक रीज़न ये भी है टू सेव वर्क एट द ब्रांच। अब जब इनवॉइस प्राइस पर सेंड किया जाएगा तो ब्रांच मैनेजर्स को स्पेसिफिकली टाइम खासतौर पर नहीं देना पड़ेगा प्राइस डिसाइड करने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसी पर और क्या प्राइस मार्जिन होने चाहिए, ये इस पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये टाइम एक ही दफ़ा हेड ऑफिस में लग जाएगा और इससे ब्रांच का टाइम सेव होगा और जो है सेल प्राइस जो फिक्स्ड एक स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर बता दी गई है उसी पर चीज़ें सेल होती रहेंगी। ये तमाम गुड्स वो जिनकी स्टैंडर्ड प्राइसेस होती हैं वो हमेशा इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस पर ही भेजी जाती हैं। इसमें हमने देखा कि ब्रांच डेटर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके मुताबिक हेड ऑफिस में ब्रांच के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, तमाम एसेट्स को ये डेबिट करता है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को क्रेडिट करता है। इसके अलावा अगर कॉस्ट प्राइस मेथड के मुताबिक भेज रहा है, कॉस्ट पर गुड्स को सेंड कर रहा है, तो कोई एडिशनल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेल प्राइस पर गुड्स सेंड की जा रही हैं हेड ऑफिस से ब्रांच में, तो फिर एडजस्टमेंट्स एंट्रीज हमें कुछ करनी पड़ती हैं क्योंकि हमने अभी सेल नहीं की लेकिन हमने गुड्स को सेल पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने देखा ब्रांच डेटर सिस्टम क्या होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।